Hi, this is Yasir Hussain and you're watching me on Fuchsia Online. Fuchsia Online. मेरे पास एक कैमरा है 100 साल पुराना हाँ। मैं टर्की से लेके आया हूँ बड़े मेरे पैसे लग गए उसके ऊपर बहुत जबरदस्त नहीं खड़ा रहता कैमरा है चचा थोड़ी लाया हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता था डॉक्टर हाँ मुझे क्योंकि मुझे लगता है वो बिल्कुल डायरेक्ट है किसी की भी हर इंसान के अंदर होता है किसी की मदद करना चाहता है कभी ना कभी अच्छा लगता है आपको ऐसा करके तो उसमें तो आप रोज ही करते हैं सुबह जाके नहीं लगता लगा रहे कट कोई मोबाइल छीनने के लिए थोड़ी लगा रहे हम उसकी बेहतरी के लिए लगा रहे हैं उसको ठीक होना फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटा पार्ट है मैं तो मुल्क के लिए कुछ करना चाहूँगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए हमें और हमें हमें फंड्स चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो होते हैं पूरी दुनिया में किसी ना किसी तरह से वो अगर आ जाएँ तो फिर कोई भी फिल्म मेकर खुल के फिल्म बना सकता है उसके पास आइडियाज़ तो बहुत है बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ आइडियाज़ लेके घूम रहे हैं उनके पास कोई और तरीका ही नहीं है कि वो फिल्म बना लें जो आपके यहाँ शादी पे होता है वही सिनेमा में होता है हमारे यहाँ शादी के लिए आपको आइटम नंबर्स चाहिए होते हैं लोगों ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की कि शुक्र है ये कलाबाज और बिल्ली और ये नंबर्स आ गए हैं वरना हम तो इंडियन नंबर्स पे डांस करते रहते हैं तो लोगों को डांस करने के लिए गाने चाहिए शादियों पर क्या मेहंदी के लिए ज़बरदस्त सॉन्ग है ड्यूटी ड्यूटी तो इस तरह की बातें आपको आम लोगों से सुनने को तो उसके बाद आप क्या सोचेंगे कि फिल्म में आइटम नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फिल्म ही करना चाहता हूँ और फिल्म ना भी हो तो एक्टिंग करना चाहता हूँ हम सफर मायरा खान पंजाब नहीं जाऊंगी हमारी से ना मालूम अपराध मेरा फिर मायरा खान फवाद खान फवाद खान मायरा खान हर्ष उमर टूटी फ्रूटी यासिर हुसैन नवाज से आ गया कंदील बलोच सबक यासिर हुसैन तुम्हारा दो यासिर हुसैन है क्या सुनना चाहती है मुझे आप भी बता दो हर सवाल के बाद आप कहती हैं मुझे लगता है मैं इधर उधर देख रहा हूँ मुझे बता रही है ये जोक था तो आई डोंट लाइक जोक्स आई डोंट लाइक यू ये है कभी खुशी कभी जब तक बैठने के लिए ना जाए कहा जाए खड़े रहो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे पाप का घर फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन ऊपर आ गई हूँ मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ हाथ छोड़ दो मेरा यह जब भी मैट करीना कपूर है किसी माँ के लाल में हिम्मत जो मेरे सामने आए ये मैं कह रहा वो मेरी और सबकी की तस्वीर लगी प्रमोशंस की मुझे एक बदली अबे ये किसको ले लिया इससे अच्छा तो मुझे ले लेता तो मैंने उसकी तस्वीर जाके देखी तो दिल क्या मैं लिखूं यही बात अबे चल तुझे ले लेते पता नहीं एक कॉमेंट जो सब करते हैं I'm your biggest fan. तो मैं बस वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि Who is the biggest fan? जबरदस्त मेरे अच्छे इंटरव्यूज में से एक है जिसमें शायद लोगों को कुछ जानने को मिलेगा मेरे बारे में वरना लोगों को मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने को मिलता है और या फिर जिस शो पे मैं जाता हूँ उस शो के बारे में जानने को मिलता है कीप वॉचिंग मूवीज मेरी या किसी की भी सिनेमा जाने की आदत डालें क्योंकि ये टी वी वाली जो एंटरटेनमेंट है ना शेख रशीद और इमरान खान वाली ये इतने मजे की नहीं है फिल्म है असल एंटरटेनमेंट उसको एंटरटेनमेंट समझें और इसको सीरियस समझें बस ये थैंक यू